वेलकम टू फ्लाई फाई इसी दोस्तों आपका स्वागत है। तो साथियों इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आपको 8000 क्वेश्चन प्लस के रूप में करवाए जाएंगे। तो साथियों आपने पिछले वीडियो भी दो बनी हुई हैं, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पिछले वीडियो जाके अवश्य देखें। इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी प्रैक्टिस चल रही है, यूपीएससी साइड रीजनिंग हुआ ऑल और किसी भी एग्जाम का हुआ रीजनिंग की है दोस्तों, वो वीडियो अभी आपकी पहुंच चुकी है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले जाके। तो साथियों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कहाँ से 61 नंबर से। अब तक हम लोग 60 नंबर जो 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों इस पिछले वीडियो में, ठीक दोस्तों। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक आ गया है, क्या है, बोला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आई सी ए आर में स्थापित कब हुआ था, कब हुआ था ये 1929 में हुआ था, अर्थात दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फिर उसके बाद फाउंडेड इन 1929, अर्थात कब हुआ था इसका फाउंडेड, ये 1929 को हुआ था। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो है 62 आता है, क्या है, ICAR का जो है दोस्तों मुख्यालय पूछा है, इसका मुख्यालय कहाँ होता है दोस्तों, न्यू दिल्ली होता है। तो साथियों आपने देखा ना, नई दिल्ली मुख्यालय सबसे ज़्यादा है, अगर आपको ऑप्शन में नई दिल्ली मुख्यालय मिलता है तो आप, अगर मान लो कन्फ्यूजन है तो आप नई दिल्ली को ही टिक करना दोस्तों, जो कि वो आपका लगभग लगभग 80% चांस है सही होने का। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो साथियों आपके सामने 60 नंबर आ गया है, बोला क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अर्थात IWAI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, कब हुआ था, 1986 में हुआ था, कब हुआ था ये 1986 में हुआ था। फिर आते हैं 64 पर साथियों, बोला क्या है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अर्थात IWAI का मुख्यालय कहाँ, ये नोएडा है, नोएडा दोस्तों कहाँ है, नोएडा था दोस्तों, ये यूपी में जो है एक नोएडा है जिला, वहाँ है, नोएडा में स्थित है, ठीक है। फिर बोला दोस्तों 65 नंबर है, भारत की पहली महिला जिन्होंने यूएन में प्रतिनिधित्व किया, फर्स्ट फीमेल ऑफ रिपर्स दोस्तों का यूनाइटेड नेशन, अर्थात कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। तो साथियों खजुराहो के समूह में स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था, ये चंदेल राजवंश के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, ठीक है ना। तो साथियों यहाँ तक तो हुआ कंप्लीट, अब चलते हैं 67 नंबर से। तो साथियों हम लोग आगे कहाँ 67 नंबर पर आ गए, क्या है, अजंता, क्या है, अजंता की गुफाओं किसके द्वारा निर्मित की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ये सातवाहन वंश और मुगल काल के द्वारा दोस्तों, ये अजंता की गुफाएं जो हैं इसके द्वारा निर्मित की गई थी। फिर आते हैं 68 नंबर दोस्तों, बीबी का मकबरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था, ये मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। और बीबी का मकबरा है कहाँ, ये औरंगाबाद में स्थित दोस्तों, कहाँ है ये, औरंगाबाद में स्थित है, ठीक। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट है 69 जो है, बोला है कोणार्क सूर्य मंदिर का दोस्तों इसने निर्माण कौन करवाया था, ये करवाए थे नरसिम्हन देव वर्मन फर्स्ट, कौन करवाए थे, ये नरसिम्हन देव वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। फिर दोस्तों है चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों चार मीनार का, ये कुली कुतुब शाह द्वारा, कुली कुतुब शाह द्वारा दोस्तों चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। अब बोला है दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था, दोस्तों जो दिल्ली में कुतुब मीनार है इसे दोस्तों जो शुरुआत की थी, जो नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, कौन रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था दोस्तों, और जो पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था दोस्तों उसने जो है इसे पूर्ण करवाया था। तो साथियों आपका जो 72 नंबर दोस्तों है, जंतर मंतर की स्थापना किसने की थी, कौन किया था, ये महाराजा जयसिंह ने किया था, जंतर मंतर की स्थापना जो है कौन किया था, ये महाराजा जयसिंह ने किया था दोस्तों, ठीक। तो साथियों इसी क्रम में चलते हैं हम 73 नंबर पे। तो साथियों हम लोग कहाँ आगे 73 नंबर पे, आपका जो 73 नंबर है, भारतीय संख्यांकी क्या है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाताओं के संस्थापक कौन थे, कोलकाता के संस्थापक कौन थे, ये कौन थे, प्रसन्ना चंद्र महल नाबिस थे, नाबस थे, ठीक। तो दोस्तों ये रहा। फिर आपका 74 जो है, बोला क्या है, विश्वविद्यालय का निर्माण 1875 में किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये किया गया था
सैयद अहमद खान द्वारा, किसके द्वारा? सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक, फिर चलते हैं 75 पे दोस्तों। बनारस, बनारस देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे ये? मदन मोहन मालवीय थे दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। फिर बोला क्या है, जामिया और फिर मिलिया इस्लामिया दिल्ली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों किसके द्वारा की गई थी ये? मोहम्मद अली जौहर हकीम अजमल खान द्वारा की गई थी दोस्तों। अब दोस्तों 77 क्वेश्चन जो है, बोला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौन अर्थशास्त्र के लेखक है? चाणक्य हैं। कौन है ये दोस्तों? चाणक्य हैं, ठीक है ना। फिर चलते हैं दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों हम लोग आ गए 78 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में लगभग किलोमीटर की भूमि सीमा है, क्या बोला है? भारत में लगभग किलोमीटर की भूमि सीमा है, कितना है ये? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? दोस्तों बांग्लादेश है। कौन सा है सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है? कौन सा है? बांग्लादेश है दोस्तों। और सबसे तटीय कौन सा है दोस्तों? सबसे तटीय जिसका लंबा है किसका है? ये गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। और दोस्तों आपका जो है 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर है, किस वर्ष भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी? कब देखी गई थी? 1911 से 1921 के बीच में। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये दोस्तों भारत में होता है। कहाँ होता है? भारत में होता है। फिर चलते हैं 82 नंबर दोस्तों। तो साथियों आपके सामने 82 नंबर आ गया है। बोला है क्या ग्रैंटक रोड, क्या ग्रैंटक रोड मतलब सड़क है, किन दो स्थानों से शुरू से अंत तक जोड़ती है? तो साथियों कहाँ? ये बांग्लादेश में सोनार गांव और अफगानिस्तान में काबुल के साथ। कहाँ दोस्तों? जो है ग्रैंटक रोड है दो स्थानों के को शुरू से अंत तक था, बांग्लादेश से सोनार गांव और फिर अफगानिस्तान में काबुल के साथ में है दोस्तों। ठीक, फिर आपका जो 83 नंबर दोस्तों, भारत में सड़क नेटवर्क दुनिया में कौन सा स्थान है? ये सेकंड स्थान है। जो आपका भारत में सड़क नेटवर्क स्थान कौन सा है? ये आपका दूसरा स्थान है। फिर आते हैं 84 पे दोस्तों। फिर क्या है, राष्ट्रीय राजमार्गों में अधिकतम लंबाई भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। हमारे ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। फिर आता है आपका 85 नंबर, 17 जून 1948 को संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भाषाई प्रांत आयोग की स्थापना की सिफारिश की, क्या यह राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए था? तो दोस्तों कौन था ये? थार आयोग था। कौन था ये? थार आयोग था। कौन सा? थार आयोग था। इसे दोस्तों मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो ये रहा आपका धार आयोग है। कौन सा है? धार आयोग है, ठीक है। फिर चलते हैं 86 नंबर पर क्वेश्चन दोस्तों। तो साथियों हम लोग कहाँ 86 नंबर पर आ गए। बोला क्या है, राज्य सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए 22 दिसंबर 1953 को भारत की केंद्र सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये जो नेतृत्व किया था किसने किया था, ये थे देखो HN, एक तो ये कुरंजा है और उसके बाद फिर ये फैजल अली है। कौन है? फैजल अली है। तो साथ ही ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, आप इसे छोड़ सकते हैं इस वाले को, ठीक है। आप 87 नंबर को दे सकते हैं। 87 नंबर, भाषाई आधार पर, कौन सा भाषाई आधार पर गठित भारत में कितने राज्य थे? कितने राज्य हैं? तो राज्य जो हैं 14 राज्य हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। क्या हैं? 6 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो साथ दोस्तों भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन है? दोस्तों मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था ये? मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम था। फिर चलते दोस्तों, तो साथियों आपके सामने 90 नंबर क्वेश्चन आ गया है। क्या आ गया है? देखो इसमें बोला क्या है आपको 90 नंबर में, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? देखो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है।
नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? ये कुमार गुप्त द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? ये कुमार गुप्त फर्स्ट द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो साथियों हम लोग अब तक 91 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग को जो है इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, डेली जो है 30-30 क्वेश्चन कर रहे हैं, आज हमने 31 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना? तो उसमें चिंता लेने की, घबराने की कोई भी बात नहीं है दोस्तों, ठीक? तो इसी प्रकार से हम लोग प्रैक्टिस जो है जारी रहेगी। तो साथियों अभी तक हम लोग 90 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर वीडियो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पिछली वीडियो अवश्य देखें। अगर इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अगर दोस्तों कहेंगे तो आपको PDF इसको मिल जाएगी, बेफिक्र दोस्तों, ठीक? और साथियों प्रैक्टिस रहेगी बरकरार। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।